नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। संवाददाता राजेश खुरवाल की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बूंदी महोत्सव की सफलता के लिए श्री चारभुजानाथ से की कामना। संवाददाता देवीलाल भील की रिपोर्ट के अनुसार भील समाज के पदाधिकारियों ने जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के निवास स्थान बांसवाड़ा में जाकर दिया राणा पूजा, भील प्रतिमा अनावरण व प्रतिभा सम्मान समारोह का आमंत्रण पत्र। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार आज दिनांक 22 अक्टूबर को न्यू रक्तदान महादान ग्रुप सेवा संस्थान के अध्यक्ष चेतन पांडे ने बताया कि संस्था के माध्यम से दीपावली पर जरूरतमंद बच्चों को कपड़े वितरण का 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे बच्चे को अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहकर अपना गुजर बसर कर रहे ऐसे बच्चों को आज दिवाली से पूर्व कपड़े की दुकान पर ले जाकर बच्चों की पसंद के नए कपड़े दिलवाए गए। संवाददाता रमेश गुजर की रिपोर्ट के अनुसार अकलेरा में कस्बे तारज में रक्तदाता समूह के सदस्यों द्वारा असहाय अनाथ एवं गरीब परिवारों ने वितरित किए हैप्पी किट। संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट के अनुसार बूंदी सदर थाना क्षेत्र के ग्राम नीम का खेड़ा में आज सुबह मां के साथ खेत पर गए बालक को सांप ने डस लिया। संवाददाता राजेश खोवाल की रिपोर्ट के अनुसार बूंदी श्री राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष हिम्मत सिंह हाड़ा ने बताया कि कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के किनारे बसोली मोड़ में एक उड़ान मासूमों के नाम संस्था द्वारा गरीब असहाय घुमक्कड़ जाति के बच्चों को ऊनी वस्त्र पटाखे और मिठाइयों का वितरण किए गए। संवाददाता राजेंद्र नामक रिपोर्ट के अनुसार बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार, चोरी की गई बाइक को किया बरामद। संवाददाता रमेश गुर्जर की रिपोर्ट के अनुसार अकलेरा कस्बे तारज में माननीय विधायक नरेंद्र नागर के कोष से स्वीकृत कचरा संग्रहण वाहनी के चालक रामपाल वाल्मीकि का मुख्य बाजार तारज में भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री धनराज सेन पवन जैन ने साफा बांधकर पुष्पाहार पहनाकर श्रीफल भेंट करके अभिनंदन किया। संवाददाता राजेश खुरवाल की रिपोर्ट के अनुसार संविदा सेवा नियम 2022 शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन पर सरकार से पुनर्विचार की मांग की गई। संवाददाता मुकेश कुमार मीणा की रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक पलाई द्वारा लक्ष्मी पूजन किया व गणमान्य नागरिकों को मिठाई पैकेट वितरण किए गए। हाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए देश हित के बाद मातृभूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।